सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है तो पूछिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजन यूपी से, सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राजन। हेलो जी, पूछिए। सर, 5 लोट सोयाबीन अक्टूबर की 3650 रुपए में सेल पड़ी है, ये जानना चाहता हूँ कि 3000 से नीचे का टारगेट दिख सकता है क्या? 3000 के नीचे का टारगेट सोयाबीन में कब तक दिख सकता है जेकेडिया? देखिए, ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी वीक है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी नेगेटिव दिखा रहे हैं, डोमेस्टिक भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। 3000 थोड़ा सा अर्ली रहेगा, बट मुझे लगता है नीचे में 3050 से 3100 का लेवल हमें मंथ एंड तक देखने मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलर गोपी है गंगानगर से, पूछिए गोपी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 से 3 कारोबारी सत्र तक क्रूड के डाउन साइड भाव कहाँ तक देखने मिल सकते हैं? अच्छा सवाल है आपका, 2 से 3 कारोबारी सत्र में जयप्रकाश गुप्ता, क्रूड का डाउनसाइड लेवल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, डाउनसाइड में 2840 तक मुझे लगता है पॉसिबल है, अपसाइड में 3100 के ऊपर मुझे नहीं लगता है ये जाए। अगर कोई इस तरह से और कुछ खबरें आए कि रशिया और सऊदी अरेबिया को लेके, तो थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, वो 3100 के ऊपर मुझे जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ निमिषा है वडोदरा से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए। हाँ, मैंने 46,500 बाई किया है, तो क्या करूँ? क्या करना चाहिए जय इनको? देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, जिस ढंग से हमने प्राइजेस को $18.50 के नीचे सस्टेन करते हुए नहीं देखा है, और डोमेस्टिक पे भी हमने देखा 44 को अच्छा एक सपोर्ट लेके उठा है। इनको बेटर है कि लॉन्ग पोजीशंस में रहना चाहिए, जो ऊपर में हम 48,500 देख रहे हैं मंथ एंड तक दिखा सकता है। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की, कि वहाँ पर किस तरह की हलचल आगे आपको दिख सकती है। कल के कारोबार में सोयाबीन के ऊपर क्या व्यू होगा आपका, अजय केडिया? मुझे लगता है सोयाबीन कंटिन्यू करेगा आज का ही ट्रेंड, मुझे लगता है प्राइजेस में वीकनेस के साथ आएगा। अगर 3300 का लेवल अगर कल ब्रीच कर जाता है, तो मुझे लगता है 3220 से 3180 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली अगर निकिल की बात करें जयप्रकाश, तो आज शाम के कारोबार में इस काउंटर में आपको क्या संभावना दिख रही है? मुझे लगता है ये 690-692 तक जा सकता है, तो 678 के आसपास या 674 पे मैं बाइक ही चला दूंगा। 665 का स्टॉप लॉस रखें अपने पोजीशन पे, और 695 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 692 का टारगेट कब तक दिखेगा? आज इवनिंग या कल तक देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तो मार्केट 673 के आसपास है जयप्रकाश, और आप कह रहे हैं कि 92 यानी करीब 19-20 रुपए का मूवमेंट, क्या शाम के कारोबार में आपको आज दिन का ट्रेंड देखकर लग रहा है कि संभव हो पाएगा ये? जी देखिए, आज कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने हैं यूएस से, अगर वो उम्मीद से बेहतर होते हैं तो बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक उछाल देखने को मिल सकता है, और दूसरा प्राइस करीब एक टाइट रेंज में है, और निकल के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। हाँ। तो चांसेस हैं कि ये 700 का लेवल दिख जाए। ठीक है, टीएस कामरा है गंगानगर से, पूछिए सर। ग्वार में सवाल है जी। हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ग्वार में नीचे के भाव कहाँ से बढ़ सकते हैं, और हाईएस्ट भाव क्या बन सकते हैं जनवरी फरवरी में? ठीक है, बताया जाए। देखिए, एज ऑफ नाउ डाउनसाइड में वो काफ़ी लिमिटेड लग रहा है, नो डाउट 40% की जो हम बात करते हैं उसके बाद में यील्ड में इंप्रूवमेंट हुई, तो ओवरऑल 15% से 18% का मुझे लगता है शॉर्टेजेस रहेगा ये साल, जो प्राइजेस को ऊपर में 4000 का लेवल अगर तोड़ता है तो नवंबर तक हमें लगता है नवंबर दिसंबर तक 5000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, 5000 से 5200, बाकी फरवरी तक की बात करें तो 6000 का लेवल श्योरली ब्रेक कर सकता है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय केडिया, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मुझे लगता है फ्राइडे के डेटा के बाद बुलियन काफ़ी अच्छा एक मूव कर रहा है पॉजिटिव साइड, 30,950 पे गोल्ड बाय करके चलिए, ऊपर में 31,250 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। आपकी कॉल जयप्रकाश। कॉपर मुझे लगता है 310 के आसपास बाय किया जा सकता है, 316 के टारगेट के लिए 307 का स्टॉप लॉस रखें। आपकी आखिरी कॉल अजय केडिया।
मुझे लगता है एनर्जी पैक में नेचुरल गैस काफी अच्छी कमोडिटी रहेगी बेचने के लिए, 185 के लेवल्स पे बेच के चलिए, 180 का टारगेट रहेगा इंट्राडे में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जेकेडिया आपका और जयप्रकाश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।